नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण और फाइनल चरण में आज 38 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में राज्य की 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका और 267 नगर पंचायत सीटों पर मुकाबला है। मतदान शुरू हो गया है। राज्य के 7 नगर निगम की मेयर सीटों के लिए 43 उम्मीदवार मैदान में है। वही नगर निगमों के पार्षद के 581 पद के लिए 3,840 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। बता दें कि निकाय चुनाव की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प मानी जा रही है। सभी दलों ने अपने पूरे तरीके से ताकत झोंक दी थी। कोई भी दल कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। हर किसी की कोशिश यही है कि किसी तरीके से वो जीत हासिल करें। बता दें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और इसी को लेकर कोई भी पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। 9 मंडल में आज 38 जिलों में मतदान हो रहा है। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू है। आज 38 जिलों में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण के लिए 370 निकायों के लिए 6,929 विभिन्न पदों पर 39,146 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सभी का भाग्य आज ईवीएम और मत पेटिकाओं में बंद हो जाएगा। यह इस चुनाव का अंतिम चरण है जो 9 मंडलों में हो रहा है। सभी संवेदनशील, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए हैं। यहां वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी भी हो रही है। बता दें निकाय चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान सुबह 7 बजे से ही चल रहा है, जिसमें मतदाता सुबह से ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मत केंद्रों के बाहर देख सकते हैं तस्वीरें आप, सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। 9 मंडल के 38 जिलों में आज मतदान हो रहा है और मतदान को देखते हुए प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी भरपूर की गई हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ केसी जैन जी हैं और रालोद से हमारे साथ वेद प्रकाश मिश्रा जी हैं और सपा से तारिक खान जी हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। केसी जैन जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। देखिए, बीजेपी की तैयारियां तो बहुत जोरों शोरों से थी, अब दूसरे चरण का मतदान हो रहा है सुबह 7 बजे से ही, अपने आप को कहां देख रहे हैं? देखिए दोस्तों जी, पहली बात तो ये है कि ये बात तो विपक्ष भी स्वयं कहता है कि भारतीय जनता पार्टी रहती हमेशा तैयारी, तो भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है हमारे बूथ के अध्यक्ष हो, सबको हमने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, जिला अध्यक्षों ने पूरी मेहनत करके पूरी टीम तैयार की है। और मुख्य बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का 6 साल का कार्यकाल रहा है, शासन काल रहा है, और इसके पहले नगर निगमों के आप चुनाव में देखिए कि 16 नगर निगमों में से 14 नगर निगमों में मेयर के पद पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत करके आते हैं। नगर निकायों में भी सबसे ज्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की रहती है। तो चाहे चेयरमैन का पद हो या मेयर का पद हो या सभासदों का पद रहा हो, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने एक बड़ा बहुमत दिया और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। अब पहले चरण का चुनाव जो था वो निपट चुका है, दूसरे चरण के चुनाव की वोटिंग चल रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार एक सीट बढ़ी है, 17 सीटें हुई मेयर की, तो 17 की 17 सीटों पे काबिज होंगे और जनता एक बार फिर से हमें आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से काम हो रहा है और जिस प्रकार से सबका सम्मान हो रहा है, आप देखिए कुंभ मेले के बाद जो हमारे सफाई कर्मी थे उनके पैर धुल करके अगर कोई सम्मान देने का काम करता है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। इस तरीके से क्या कभी सफाई कर्मियों का पहले सम्मान किया गया? उनको तो अछूत समझाता जाता था, भेदभाव किया जाता। तो इस भेदभाव रहित समाज की स्थापना के साथ साथ
चाहे कूड़ा निस्तारण हो, नालियों का व्यवस्था हो, नालियां भरी हुई ना रहे, नालियां ढकी हुई रहे, साथ ही साथ कूड़ा निस्तारण हो, घर घर से कूड़ा निस्तारण हो, ये सारी चीजों का काम नगर निगमों से लेकर के और सभासद क्षेत्रों से लेकर के और जो चेयरमैनी तक के क्षेत्र हैं, जहां जहां पर ये जो नगर निकाय के चुनाव है, उन सब जगहों पे बेहतर व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी किया गया, साथ ही साथ जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि थे लोअर स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। यही कारण है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी को जनता चुन करके सदन के अंदर भेजती है और मेयर के आप देखिएगा एक बार फिर से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतेंगे। ठीक है केसी जैन जी, आप तमाम मुद्दों को गिना रहे हैं लेकिन सभी दलों ने अपनी पूरी पूरी तैयारियां की हैं निकाय चुनाव को लेकर, विपक्ष भी तैयारी से है, तो क्या इससे आपको डर नहीं लग रहा? नहीं देखिए, जो काम करेगा और जनता जो मूल्यांकन करती है काम के आधार पर करती है, और कोई भी कहीं किसी भी देश की प्रदेश की शहर की गांव की जनता ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि अगर उच्च स्तर पे जो बैंक का मैनेजर हो और जो बैंक का डायरेक्टर हो वो तो ईमानदार हो, लेकिन बैंक का जो बाबू हो वो भ्रष्ट हो, ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो चुनाव चाहे छोटे लेवल का हो बड़े लेवल का हो, ईमानदार और काम करने वाले व्यक्ति को जनता चुनती है। तो ऐसा नहीं है कि विधायक और जब लोकसभा का चुनाव होता है तब तो ईमानदार लोगों को चुनती है जनता। जनता सभासद भी ईमानदार चाहती है, जो काम करने वाला हो, मेहनत करने वाला हो, नए नए प्रोजेक्ट बना करके भेजे, जो काम उसके सभासदी क्षेत्र में नहीं हुए उनको करके दिखाए, और साफ सुथरी सड़कें हो, साफ सुथरा मेंटेनेंस हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, सीवर की अच्छी व्यवस्था हो। आप देखिए कि जहां जहां जितने भी ये जो है नगर निकाय के साथ साथ जो भी सारे क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, कितने बड़े स्तर पे सीवर लाइन डालने का काम हुआ, लखनऊ की गली गली में सीवर लाइन डाला गया। तो ये जो काम किया है काम के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। दूसरी बात ये विपक्ष ये कहता है कि आप राष्ट्रीय मुद्दों को प्रदेश के मुद्दों को क्यों उठाते हैं। देखिए, जो ईमानदारी का मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो गुंडागर्दी का मुद्दा है, वो हर जगह व्यक्ति को प्रभावित करता है। गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार ऐसे मुद्दे हैं जो व्यक्ति को हर जगह प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में अगर अपने बचाव के लिए व्यक्ति ईमानदार आदमी को, साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को आदमी चुनता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? साफ सुथरी छवि की पार्टी को चुनता है तो इसमें क्या दिक्कत है? और हमें पूरा विश्वास है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जनता चुन करके सदन के अंदर भेजे। जी ठीक है, तारिक जी मैं आपके पास आऊंगी। आपने केसी जैन जी को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता उन्हें मौका देगी जो काम करता है। अब निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने चुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया है, जैसे उदाहरण लेता हूँ कि अभी जो इससे पिछले चरण का जो वोटिंग हुई उसमें वोटर लिस्ट में हद से ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, क्योंकि जहां पर इनको लगा कि समाजवादी एरिया डोमिनेंट एरिया है या माइनॉरिटी डोमिनेंट एरिया है, जहां पर उनका वोट है, वहां की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने में गड़बड़ी। और जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है या जो विपक्ष में जो भी लड़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत दिशा में चुनाव लड़ रहा है, उनको मारा गया, पीटा गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उनसे लड़ाई झगड़ा किया गया। तो इस तरीके से अगर चुनाव होगा तो उससे जो निष्पक्ष एक तरीके से जैसे चुनाव कराने की बात होती है तो सवालिया निशान चुनाव आयोग पे भी खड़े होंगे। इस चीज के प्रमाण दिए जाएंगे कि चुनाव आयोग अगर कहता है 58% वोटिंग होती है कई जिलों में पिछले निकाय चुनाव में और इस बार 45% होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आपका क्या कहना है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं जाएगी? चुनाव आयोग की और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए कि घटाया जाए? तो तारिक जी, जो आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, इसका जिम्मेदार किसे मान रहे हैं? सरकार को? बिल्कुल, सरकार भी तो है, सारा काम करता कौन है? सरकार करती है। वोटर लिस्ट का काम करता कौन है? सरकार करती है। बूथों की रक्षा करने का काम किसका है? सरकार का है। जिस तरीके से वोटर लिस्टों में गड़बड़ी, अभी तो आप लखनऊ में बैठे हैं, आप निकायों में उतर के देखें तो जिस तरीके से वोटर लिस्ट में, मैं बहुत खुला आरोप लगा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी क्या, जहां पर इनको लगता था कि इनका प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हार जाएगा, वहां पर
मुसलमान माइनॉरिटी डोमिनेंट एरिया में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर कर लोगों के नाम काट दिए गए ताकि उनका पोलिंग परसेंटेज घट जाए और इनके कैंडिडेट को फायदा मिल जाए। ये किस तरीके से इसको निष्पक्ष चुनाव की तरह कैसे देखा जाएगा? कैसे चुनाव आयोग कहेगा कि 58% से पोलिंग परसेंटेज 45% हो गया, मेरे जिले का पोलिंग परसेंटेज 58 से 45 हो गया, ये कौन सा तंत्र काम कर रहा था और कैसा तंत्र काम कर रहा था? ये तो अगर पर्ची बांटने की जिम्मेदारी दी गई तो उसने 20% पर्चियां बांटी, चिन्हित एरियों में 90% पर्चियां बांटी और बाकी जो एरिए थे वहां पर 10% पर्चियां बांटी। तो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर आप एक मॉडल बनाकर जो काम रामपुर में किया गया था वही काम जगह जगह जब किया जाएगा तो चुनाव को आप किसी भी चुनाव को प्रभावित कर लेंगे, किसी भी चुनाव को प्रभावित कर लेंगे। और निकाय चुनाव तो अहम थे, इसको शहरों की सरकार कहा जा रहा था, आप बता रहे थे कि दो इंजन है आपके पास, तो दो इंजन रुका था काम करने के लिए, वो देख रहा था कि हम जब निकाय चुनाव जीत लेंगे तब शहरों का विकास करेंगे, क्योंकि आपके MP MLA ये विकास नहीं कर रहे थे क्या अभी तक? भाई आपके मतलब ढेर सारे MP, ढेर सारे विधायक, ढेर सारे MLC ये सब बैठ के इंतजार कर रहे थे कि जब आप निकाय चुनाव जीत लेंगे तब शहरों का विकास करेंगे। हो सकता है कि ये इसीलिए विकास ना कर रहे हो शहरों का, रोके पड़े थे, बताया था कि बहुत सी स्मार्ट सिटी बनाएंगे जी, ठीक है, ये कर देंगे, वो लोग इंतजार कर रहे थे बैठ के कि निकाय चुनाव जीत ले तब इनके सांसद विधायक कोई भी विकास का कार्य करेंगे, वो बैठ के इंतजार कर रहे थे। कहने का तो मतलब इनका यही है कि इसको शहरों की सरकार की है, अरे स्टेट गवर्नमेंट आपकी है, तो जब शहरों की सरकार नहीं बैठी किसी के भी पास थी तो क्या उनके साथ मिलकर विकास नहीं किया जाता है? जिस स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो वहां इंतजार करेंगे कि पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए तब विकास? जी ठीक है, केसी जैन जी से इसका जवाब मैं लूंगी, उससे पहले हमारे साथ वेद प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश जी, आपने तारिक जी को सुना, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया जा रहा है, धांधली कराई जा रही है, तमाम उन्होंने आरोप लगाया है, फिर चाहे वो चुनाव आयोग को लेकर हो, सरकार पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, आप इसे कितना सही मानते हैं, आपका क्या कहना है इसको लेकर? देखिये, जो तारिक भाई ने अभी बात कही है वो बात बिल्कुल सही है। आप देखिए कि पिछली अभी जो पिछले प्रथम चरण में चुनाव हुआ 32% मतदान हुआ, 32% मतदान का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जिम्मेदार है, शासन जिम्मेदार है, चुनाव आयोग जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? ये बात किसी दल के ऊपर आरोप लगाने की नहीं है, ये बात चिंतन करने की आवश्यकता है। हम भी चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चुनाव लड़ते हैं, विपक्ष हो या पक्ष हो, जब मत प्रतिशत गिरेगा तो क्या लोगों का रुझान मतदान के पर्च से हट रहा है या लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है? पूरी पूरी वोटर लिस्ट गायब हो जा रही है, जिन लोगों के नाम लोकसभा की लिस्ट में थे, विधानसभा की लिस्ट में थे, उन लोगों के नाम नगर निकाय चुनाव की लिस्ट में नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है? इनके जिम्मेदार लोगों के ऊपर सरकार ने या चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की अब तक? और आज का जो वोट प्रतिशत है वो भी उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, चुनाव आयोग अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। आखिर किसको लाभ पहुंचाने की नीयत से चुनाव आयोग इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है और कार्रवाई नहीं कर रहा है? ये मेरा सीधा सीधा आरोप चुनाव आयोग के ऊपर है। चुनाव आयोग के पास कोई अलग से मशीनरी नहीं है, यही मशीनरी उनके साथ काम करती है जो सरकार के अधीनस्थ कार्यरत है, तो क्या इसमें सरकार की मिलीभगत नहीं है? चुनाव आयोग इस बात को स्पष्ट करे, सरकार इस बात को स्पष्ट करे, जिला प्रशासन बताए कि आखिर वोट प्रतिशत लखनऊ में 32% 34% कैसे हुआ? लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं या लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है? मेरी जी सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसलिए तारिक भाई जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, लोगों को मतदान में भाग नहीं लेने दिया जा रहा है, पूरी की तरीके से धांधली हो रही है, अपने दल को जिताने के लिए सरकार की मंशा ठीक नहीं है, चुनाव आयोग उनके साथ मिल करके लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र तो के सर, लिए। सर आप लोग तमाम आरोप लगा रहे हैं, चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए।
देखिए चुनाव आयोग को बराबर हम लोग लिख रहे हैं, बराबर उनके ऊपर संज्ञान में ला रहे हैं। तो सर कब एक्शन लेंगे? अब तो मतदान शुरू हो गया है, शाम तक मतदान की प्रक्रिया खत्म भी हो जाएगी। पिछला चुनाव जब मयूरी जी, पिछला चुनाव जब 32% हुआ था, उसी दिन हमारा प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग में जाकर के इस बात को लिखित रूप में दिया था कि जो 9% जो कम हुआ है इसका संज्ञान लिया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए, और ताकि और आगे मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लेकिन न तो उसका संज्ञान लिया गया, न उसके लिए कोई समाज में चेतना पैदा करने की व्यवस्था की गई। तो जब चुनाव आयोग और सरकार मनमानी पर आमादा है तो आप बताइए, तो सर जब चुनाव आयोग आपकी बात नहीं मान रहा है, क्या सिर्फ ज्ञापन से काम चल पाएगा? आप चुनाव बहिष्कार कर दीजिए। नहीं देखिए, चुनाव आयोग के पास पूरे अधिकार सुरक्षित हैं। हम चुनाव आयोग का बहिष्कार करें और उसके साथ साथ अगर चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है तो चुनाव प्रक्रिया से हम वंचित हो जाएंगे, और वो तो फिर अपनी मनमानी पर आमादा है और वो तो मनमाने तरीके से अपना चुनाव करा ही लेंगे। इसलिए चुनाव आयोग में भाग लेना तो हमारी व्यवस्था है लोकतंत्र में। अगर हम उससे भागते हैं तो ये पहले से हमारे ऊपर नहीं सर, आपके पास तो आपका ये अधिकार है ना। अगर आपको लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, तो आपके पास तो ये अधिकार है कि आप बहिष्कार कर दीजिए चुनाव का। बाकायदा जब 32% मतदान रामपुर की विधानसभा में हुआ था, उस दौर में भी हम लोगों ने ये कहा था, खतौली में चुनाव में गड़बड़ी हुई थी, हम चुनाव जीत गए थे, उसके बावजूद भी हमने कहा था जिस तरीके से सरकार और चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है, आने वाला समय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, इस तरीके की गतिविधियां ठीक नहीं है, प्रशासन सरकार का नुमाइंदा बनकर के काम कर रहा है, बिल्कुल पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहा है, तो ऐसी दशा में निष्पक्ष चुनाव होना संभव ही नहीं। तो वेद प्रकाश जी, सरकार को कहां डर लग रहा है, किससे उन्हें डर लग रहा है? सरकार की नीत और नियत दोनों साफ नहीं है। सरकार तो महंगाई का मां बोलने को नहीं तैयार है, और आम आदमी महंगाई से इतना परेशान है कि वो सरकार को वोट देने के लिए तैयार नहीं। तो जो हम लोगों का वोट प्रतिशत है उसको घटाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, और बेरोजगारी चरम पर है। आप बताइए, स्वावलंबन की व्यवस्था सरकार के पास कोई नहीं है, किसान परेशान है, माली हालत एकदम खराब है, लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हुई है, मार्केट की हालत बदतर होती चली जा रही है। लेकिन यहाँ पर तो केवल एक ही मुद्दा रहता है कि या तो धार्मिकता का मुद्दा आ जाएगा, और या फिर कहेंगे कि साहब ये लोग चुनाव में हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो सरकार मुद्दा विहीन जब है, और हम जब सरकार को, जनता को जगा रहे हैं कि सरकार से सावधान होइए, अब बदलाव का समय आ गया है, तब ये सरकार घबरा रही है और इस तरीके की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है, केसी जैन जी, आपने सुना तमाम आरोपों को, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव को लेकर। जब पहले चरण का मतदान हुआ तो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि मुसलमानों को वोटिंग करने से रोका जा रहा है, पुलिस को अधिकार किसने दिया आईडी कार्ड चेक करने के लिए। अभी भी दूसरे चरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए दरअसल क्या है कि समाजवादी पार्टी को ये पता है कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो क्या परिणाम होगा, और भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है, इसीलिए समाजवादी पार्टी और रालोद चूंकि दोनों गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद में भी इनके अंदर जो सिरफरोवर है, आप देखिए सफीकुर रहमान बर्ग जी सांसद जी समाजवादी पार्टी के किसी और को चुनाव लड़ा रहे हैं, मेयर पद से, और वहाँ का अधिकतर प्रत्याशी कोई और है, और जो है मेरठ गाजियाबाद, मेरठ बुलंदशहर और तमाम सारी आगरा, तमाम सारी जगहों पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने प्रत्याशी उतारा, रालोद ने प्रत्याशी उतारा, और उसके बाद में पता चल रहा है कि कोई तीसरा भी आ गया। दोनों को नामांकन अपना हो चुका था, दोनों का नामांकन भी है, दोनों चुनाव भी नहीं लड़ रहे, तीसरे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो अस्थिरता है और इस तरीके का अविश्वास जो पार्टी के अंदर है वो उभर करके सामने आ रहा है। रही बात वोटर लिस्ट की, तो देखिए मैं आपको बताऊं, मैं अभी कुछ दिन पहले भी मैं गया था कुर्सी विधानसभा में बाराबंकी की, लखनऊ में जब वोटिंग थी तो लखनऊ की भी तमाम सारी जगहों पे चुनाव के पहले भी हमने संपर्क किया, और तमाम लोगों ने शिकायत की कि वोटर लिस्ट पे हमारा नाम नहीं है, और तमाम सारे लोग तो जो वोट डालने जाते हैं तब उनको पता चलता है कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं,
तो उनको लगता है कि भाई पहले हमारा नाम था और इस बार हमारा नाम होना चाहिए, जबकि जब उन्होंने अपना एड्रेस बदल लिया और वो कहीं पे रेंट पे रह रहे हैं, कई लोग अपना एड्रेस बदल लेते हैं, कई लोग क्या होता है विधानसभा में कहीं वोट डाल लें, नगर निकाय में कहीं वोट डाल लें, तो ऐसे में उनके नाम घटते भी है बढ़ते भी है। और चुनाव आयोग इसका पूरा मौका देता है, इसका अवसर कोई पार्टी नहीं देती है, चुनाव आयोग बाकायदा पूरी लिस्ट जारी करती है, टोटल लिस्ट होती है संशोधन के पहले, और जब फाइनल लिस्ट आती है उसके बाद भी लिस्ट जारी करती है। तब तक ये कहा सोते रहे जितने भी वोटर हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग एक परिवार के। केसी जैन जी, आज कई जगह से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, वहीं विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जानबूझकर नाम काटा गया है, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए हम बता रहे हैं आपको, चुनाव आयोग और केसी जैन जी दोनों लोगों से हमारा ये प्रश्न है कि आखिर जिन लोगों के नाम लोकसभा चुनाव में थे, विधानसभा चुनाव में थे, आज नगर निगम के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में उन लोगों के नाम कहाँ चले गए? चुनाव आयोग इसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहा है और न ही इसके जिला प्रशासन कोई बात बता रहा है? और अगर आप उनके प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहे हैं, एक एक कर आप लोग अपनी बात रखिए, एक एक कर उनके उनके लिस्ट कैसे, उनके नाम वेद प्रकाश जी सुन लीजिए, अखिल लोगों के नाम लिस्ट जाता है तो पता चला है, जो सुन लीजिए जब ब्यूरो सत्यापन के लिए जाता है पता चला आप उस घर में रह ही नहीं रहे, तो अगर आपका नया एड्रेस हो गया, भले ही आप उसी वार्ड में रह रहे हैं, उसी मोहल्ले में रह रहे हैं, तब आपको उसकी सूचना अपना आधार कार्ड अपना आईडी कार्ड ले जाकर के वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने के लिए आवेदन करना चाहिए। तमाम सारे लोगों के नाम हमने भी बढ़वाए वोटर लिस्ट में, जिनके नाम लग रहा था कट गए, लेकिन क्या था ब्यूरो ने सत्यापन में पाया कि यहाँ पे नहीं रह रहे, पिछली बार भी उनका नाम नहीं था वोटर लिस्ट में, इस बार हमने उनका नाम बढ़वाया, कहीं कम से कम नहीं होगा तो लखनऊ में हमने 200 लोगों के नाम बढ़वाए होंगे वोटर लिस्ट में, जिनके नाम विधानसभा की लिस्ट में है लेकिन सभासदी के क्षेत्र में नगर निकाय के चुनाव में उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता था, तो उस पर संशोधन करवा के फॉर्म भरवा करके फोटो लगा करके आधार लगा करके उनका नाम आ गया लिस्ट में, फिर भी तमाम सारे लोगों का नाम नहीं आया। तो ये तो देखिए जिम्मेदारी जागरूकता स्वयं की, जो वोटर है उसकी स्वयं की जागरूकता की वजह से होता है और जो इसमें सहयोग करते हैं उनकी जागरूकता की वजह से होता है। आप जागरूकता नहीं निभाएंगे, आप सोचेंगे विधानसभा की लिस्ट में नाम है इसलिए नगर निकाय की भी लिस्ट में नाम होगा, तो जरूरी नहीं है ये कि आपका नाम उसमें हो, तो ये तो एक टेक्निकल दिक्कत है और ये हर एक पार्टी के लोगों के लिए, वो भाजपा के लिए भी है, सपा के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, वोटर किसी का बिका हुआ नहीं है, ना कोई बदुआ मजदूर है, तो किस पार्टी का इससे मतलब नहीं है, लेकिन तमाम सारे वोटरों के साथ इस तरह की समस्या आती है और ये इसीलिए चुनाव आयोग लिस्ट जारी करता है कि आप चेक कर लीजिए बीएलओ बाकायदा बैठता है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, और नहीं है तो आप नाम बढ़वा सकते हैं, फॉर्म उपलब्ध रहता है, फॉर्म भर के दे दीजिए नाम आ जाएगा, सामान्य सी प्रक्रिया है। और उसका दोष हम दे रहे हैं क्योंकि ये सारी बातें इसलिए होती हो रही थी वास्तव जी, क्योंकि इन्होंने मान लिया है कि इनको चुनाव हारना तय, जब चुनाव हारना तय है तो ठीक रहा किसके ऊपर फोड़ेंगे, जब वोटों की गिनती होगी, इसलिए पहले से इन्होंने भूखा बना ली है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, वोट हमको डालने नहीं दिया, चुनाव बेमानी होगी, अभी एक चीज नहीं कह रहे, अभी एक चीज और उभर कर। अरे आप बताइए कि अगर एक परिवार में 15 लोग थे तो 3 लोगों के नाम है, 12 लोगों के नाम कहाँ चले गए? इस तरीके की बात तो उनका वही है, अभी तो ये बात विधानसभा में वोटर थे, लोकसभा में वोटर थे, ठीक है वेद प्रकाश जी, मैं आपको बताऊंगी, आऊंगी, सुन लीजिए, बात ये है कि जो काम करेगा जनता उसको चुन करके भेजेगी। तो तारिक जी, आपने सुना केसी जैन जी का यही कहना है कि अब आप मान चुके हैं कि आपकी हार होगी, तो आप जो जितना भी ठीक रहा है वो आप इस चुनाव को लेकर आरोप लगा रहे हैं। पहले पता रहता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, ऐसा है कि पहली बात तो ये समझिए कि विधानसभा की और निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट अलग होती है, जानकारी सब है लोगों को, वोटर लिस्ट होती है विधानसभा की अलग होती है निकाय चुनाव की अलग होती है, प्रत्याशियों को एक सर्टिफाइड कॉपी जो दी जाती है वोटर लिस्ट की, वो सर्टिफाइड कॉपी और जिस कॉपी से वोट डलवाया गया वो दोनों डिफरेंट थी, ये किसकी गड़बड़ी है, ये क्या गड़बड़ी समाजवादी पार्टी के लोगों ने की है या सरकार के लोगों ने की, जो लोग शासन प्रशासन और जिनकी जिम्मेदारी थी निकाय चुनाव कराने की, ये उनकी जिम्मेदारी है, उसमें फर्क है, जैसे कहीं पर 20 घर हैं तो उसमें से 10 घरों के वोटर लिस्ट से नाम ही गायब हैं, उनका नाम नहीं है, और अगर नाम है भी तो उस नाम को गलत तरीके से, जैसे पिता का नाम गलत है तो उस उन लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, एक परिवार में 10 लोग हैं, 6
छह लोगों का नाम आया, चार लोगों का नाम काट दिया गया, लेकिन जब सर्टिफाइड कॉपी दी गई थी प्रत्याशियों का उसमें नाम था, लेकिन जब वोट डालने की बात आई तो उसमें नाम नहीं था। ये किसकी जिम्मेदारी है? आज तक किसी भी चुनाव में इस तरीके से वोटिंग परसेंटेज घटा नहीं है, खासकर वहाँ मैं खुला कह रहा हूँ जहाँ पर माइनॉरिटी की अक्सरियत है या उनके वोट अच्छे खासे हैं या समाजवादी बहुल क्षेत्र है, समर्थक क्षेत्र है, वहां पर इस तरीके की चीजें जानबूझकर जिन लोगों ने भी ये किया है उनके द्वारा मिलकर किया गया है, ताकि किसी तरीके से ये निकायों के अपना कब्जा कर ले। इस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि उनकी जिम्मेदारी कहाँ है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कितने परसेंट निभाई, क्या 10%, 20%, 30%, क्या ये लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश नहीं है? कहाँ बचा लोकतंत्र जब लोगों को वोट ही नहीं, 50% से कम प्रतिशत, पिछली बार 60%, 62%, अब की बार 30%, 40%, 35%, ये किसकी नाकामयाबी है? और उसमें जगह जगह वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, सिर्फ एक मुद्दा है कि चुनाव में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देना चाहते थे उनको वोट ही नहीं देने दिया। एक नजीर पैदा की गई रामपुर से, उसी नजीर को कि जो वोटर बीजेपी के खिलाफ वोट डालने जाता है उनको बूथ से वापस लौटा दिया जाए या उनको घरों से ही ना निकलने दिया जाए। जब उनके नाम ही नहीं रहेंगे तो वो ना अपने घर से निकलेंगे और ना वोट डाल पाएंगे। विरोध आप करते रहेंगे मगर जो जमहूरियत या डेमोक्रेसी की ताकत है, जो बैलेट से या ईवीएम से मिलती है, उसको आपने बहुत हद तक खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये उनकी कोशिश है कि निकायों में जबरन अपने अध्यक्षों को बैठाना चाहते हैं ये चीज, और इसमें टोटल नाकामयाबी चुनाव आयोग की। मैं कहूंगा कि उनको जिस तरीके से चुनाव ये कराना चाहिए वो चुनाव नहीं करा पाए। जी ठीक है, वेद प्रकाश जी आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। एक बात ये आप विचार करिए कि आखिर जब वोट प्रतिशत 32% हुआ तो चुनाव आयोग ने किसी जिलाधिकारी को इस बात के लिए तलब किया कि साहब आपके यहां वोट प्रतिशत क्यों घटा, और किसी बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की कि आपके यहां वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ी क्यों पाई गई, आपको निलंबित किया जाता है? क्या सरकार ने इसका संज्ञान लिया कि जो दोषी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी इसके जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अरे शिकायत करिए, ये कोई जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आ सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में रहेगी पूरे जीवन। सत्ता तो परिवर्तनशील है, किसी कोई भी सत्ता में आ सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी चिंता होनी चाहिए कि आखिर जो वोट प्रतिशत घट रहा है, लिस्टों में गड़बड़ी हो रही है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो उसमें वोटर नहीं है उनका भी वोटर हो सकता है, उनका भी वोटर हो सकता है। लेकिन ये सरकार चुनाव आयोग दोनों लोग जिन लोगों ने इस तरीके की लापरवाही की गई है, जिन लोगों के द्वारा ये लापरवाही की गई है, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या उनके खिलाफ अब तक कोई नोटिस, कोई कार्रवाई, किसी तरीके का मामला कोई संज्ञान में लिया गया है? ये सरकार बताएगी, चुनाव आयोग बताएगा, आखिर क्यों नहीं बताएगा? विपक्ष विरोध करता रहे और सरकार और चुनाव आयोग उसका संज्ञान न ले, इसका मतलब लोकतंत्र के प्रति अब इनकी आस्था नहीं है, मनमानी करने पर आमादा है। मैं तो लगातार ये विपक्ष कह रहा है, अगले जी ने भी कहा, जयंत चौधरी साहब ने भी कहा कि आखिर ये गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं, इसके ऊपर सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेती है? लेकिन सरकार इसको सुनने के लिए तैयार नहीं, और चुनाव आयोग तो उससे आगे काम कर रहा है जिसके पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग के पास कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो काम करेंगे? यही अधिकारी या कर्मचारी उनका काम है, जवाब ले लेते हैं किसी जन से के अंडर में काम कर रहे हैं, और वो साहब सरकार ये कहती है कि जो आप कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, इसी तरीके से काम करते रहो, तो ये लोकतंत्र में अच्छे संकेत नहीं है, इसका लंबा दुष्परिणाम आएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, आखिरी कमेंट केसी जैन जी आपका है। जैसा कि तमाम आरोप लग रहे हैं वोट प्रतिशत को लेकर, जो पहले चरण में इतना कम प्रतिशत हुआ वोट का, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर निगमों के चुनाव में कई बार देखा गया है तमाम जगहों पे वोट प्रतिशत कम होता है, लेकिन वोट प्रतिशत अगर कम हुआ है तो सबके लिए, हर एक पार्टी के लिए, किसी ऐसा तो है नहीं कि वोट प्रतिशत कम है तो एक पार्टी का वोट पड़ गया, दूसरी पार्टी का वोट नहीं पड़ा। और तो विपक्ष का तो यही साफ तौर पर कहना है कि जानबूझकर रोका गया है वोटिंग करने से।
विपक्ष का यही कहना है कि जानबूझकर रोका गया है वोटिंग करने से, इसलिए वोट प्रतिशत में कमी आई है। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये तो मनगढ़ंत बातें हैं और अपनी हार को छुपाने के लिए इन चीजों को पहले से प्रशिक्षण बनाया जा रहा है। कहीं बता रहे वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, कहीं बता रहे वोट नहीं डालने दिया गया। और समाजवादी पार्टी के मुखिया का तो ये भी बयान आया कि आप पुरन खटोला से क्यों प्रचार कर रहे हैं, आप सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जिस समय 2017 के इलेक्शन चल रहे थे, 2012 से 17 तक आप की फुल फ्लैश गवर्नमेंट रही, 2017 के चुनाव में जब वो चुनाव आचार संहिता लागू हो गई उसके बाद में भी आप हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे थे, आप साइकिल से प्रचार तो नहीं कर रहे थे, ना मोटरसाइकिल से कर रहे थे, सारे पूरे प्रदेश में आप जो रैलियां कर रहे थे सब जगह पे अखिलेश यादव जी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। और जब जहां प्रोटोकॉल लागू है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर कहीं पे हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं तो समाजवादी पार्टी कहीं नहीं इनको तो हेलीकॉप्टर से प्रचार नहीं करने जाना चाहिए था। तो जब 2017 में आप उन सारी चीजों को कर चुके हैं तब आप कौन होते हैं इस तरीके का प्रश्न लगाने वाले, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी से आप क्यों घबराए हुए हैं, अभी से हथियार क्यों डाल दे रहे हैं। अरे कम से कम परिणाम आने दीजिए तब आप मानिए कि आप चुनाव हार गए हैं। आप तो पहले से तर्क उत्तर कितने गढ़ रहे हैं वो सारी की सारी चीजें स्पष्ट कर रही है कि आपने सारे हथियार डाल दिए, आज वोटिंग हो रही है, अपने जो कार्यकर्ता है अपने जो वोटर है उनका मनोबल आप गिराने का काम कर रहे हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है इसलिए कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं भाई अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को? इसका मतलब ना तो आपके पास कार्यकर्ता है, ना आपके पास वोटर है, ना आपके पास लोग है, इसलिए आप घबराए हुए हैं, पहले से भूमिका रच रहे हैं। जब आप पिछली बार जीरो पे आउट हो गए थे, एक भी मेयर की सीट आपके पास नहीं थी और इधर तो 5 साल माननीय मुख्यमंत्री जी को काम करने का अवसर मिला, गुंडों को सफाया करने का अवसर मिला, तो ऐसे में जनता तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो जीत तो निश्चित है भारतीय जनता पार्टी की। इसीलिए इधर उधर की बातें हो रही है, मुख्य ना मुद्दों की बात हो रही है, ना मुद्दों पर कोई चर्चा हो रही है, ना ये वोट की अपील कर रहे हैं, केवल ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी रालोद के लोग कह रहे हैं हम तो चुनाव हार गए और इसलिए हार गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मेहमानी कर ली। जी ठीक है, चुनाव का रण है और ये देखने वाली बात रहेगी कि कौन इस पर परचम लहरा पाता है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बता दें आज 38 जिलों में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है, सुबह 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण के लिए 370 निकायों के लिए 6,929 विभिन्न पदों पर 39,146 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सभी का भाग्य आज ईवीएम मत पेटिकाओं में बंद हो जाएगा और 13 तारीख को इसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। बता दें कि निकाय चुनाव का रण है और देखने वाली बात रहेगी कि आखिर इस रण में कौन अपना परचम लहरा पाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।